वेलकम टू सार्स एजुकेशन एकेडमी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्त लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ कंप्यूटर सवाल को डिस्कशन करेंगे तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लाई इन एम एस पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या होता है ऑप्शन ए है कॉलर स्कीम ऑप्शन बी एनिमेशन इफेक्ट ऑप्शन सी पेज डिजाइन ऑप्शन डी नॉन ऑफ आंसर है एनिमेशन इफेक्ट तो हमारा दूसरा सवाल हुई ऑफ दिज एम एस फंक्शन रिटर्न द करेंट यूजर कौन सा ऑप्शन है जो कि कॉरेंट यूजर को रिटर्न करता है इस यूजर 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 करेंट यूजर तो इसका सही आंसर है यूजर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दीज फोल्डर्स इन जी मेल विल कंटेन द ईमेल हिच आर कॉम्पोज बट नॉट येट सेंट हमारे जी मेल में कौन सा ऑप्शन में हमारे जो ईमेल हम लोग लिखते हैं वो स्टोर होता है बट हम लोग उसे भेजे नहीं हैं। वो कौन से जगह स्टोर होता है ऑप्शन ए इनबॉक्स में या ऑप्शन बी सेंट में या ऑप्शन सी स्पैम में या ऑप्शन डी ड्राफ्ट्स में यह इसका सही आंसर है ड्राफ्ट्स में ये ड्राफ्ट्स में जाके स्टोर होता है क्वेश्चन नंबर फोर में पूछ रहा है फॉलोइंग लैंग्वेजेस डायरेक्टली एक्सिक्यूटेबल बाई कॉम्प्यूटर सीपीओ कौन सा लैंग्वेज कॉम्प्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है मशीन लैंग्वेज हाई लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज या सेकेंड जेनरेशन लैंग्वेज तो ये जो चार ऑप्शन है सही आंसर है मशीन लैंग्वेज तो हमारा नेक्स्ट सवाल दर्ड बैंड विथ इज ऑल्सो यूज टू मीन डस क्या होता है ऑप्शन ए है विथ ऑफ द डाटा केबल ऑप्शन बी है अमाउंट ऑफ द डाटा ट्रांसफर ऑप्शन सी है नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है बी अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर हमारा नेक्स्ट सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। तो ये कंप्यूटर में कौन सा की देखने के लिए नहीं मिलता है नॉर्मली जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं ऑप्शन ए टॉर्न की ऑप्शन बी ऑल्ट की ऑप्शन सी डिलीट की ऑप्शन डी शिफ्ट की तो ये हमको इजीली हमको पता चल रहा है जो कि ऑप्शन ए है टॉर्न की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट फॉर एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन ए शॉर्ट मैसेज सर्विस ऑप्शन बी सिम मोबाइल सर्विस ऑप्शन सी शॉर्ट मोबाइल सिम ऑप्शन डी सिफ मैसेजिंग सर्विस तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट मैसेज सर्विस नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज कोड रेड ऑप्शन ए है ये एक एंटीवायरस है या ऑप्शन बी एक कंप्यूटर वर्म है ऑप्शन सी एक लॉगर है या ऑप्शन डी नॉन ऑप्ति इसमें कौन सा आंसर होगा ऑप्शन बी होगा ये एक कंप्यूटर है। हमारा नेक्स्ट सवाल क्लाउड कंप्यूटिंग वाज फर्स्ट टाइम यूज इन कॉन्टेक्स्ट विथ ए प्रोजेक्ट ऑफ हुई टू ऑर्गेनाइजेशन ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो फ्रेज यूज किया गया कौन सा प्रोजेक्ट में दो कंपनी मिलकर ये प्रोजेक्ट को बनाए इसमें ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एंड याहू ऑप्शन बी है आईबीएम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन सी है अमेजन एंड गूगल ऑप्शन डी है आईएमएम आईबीएम एंड गूगल तो इसका सही आंसर है आईबीएम एंड गूगल ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर टेन डब्ल्यू 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 स्टैंड फॉर ऑप्शन ए है वाइल्ड होल वेब ऑप्शन बी वाइड वर्ल्ड वेब ऑप्शन सी वेब वर्ल्ड वाइड ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब तो इसका सही आंसर क्या होगा डब्ल्यू 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 स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग आर components ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा पार्ट होता है सीपीयू में कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट माउस एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल ऑप्शन सी है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट मॉनिटर इसका सही आंसर है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट हमारा नेक्स्ट सवाल द फॉलोइंग फास्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्ट तो क्या जो फास्ट जेनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज देखने के लिए मिलता था ऑप्शन ए में है वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रोम ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ सही आंसर है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब and magnetic drums. सवाल वेयर इज राम लोकेटेड? वेयर इज राम लोकेटेड? ऑप्शन ए है एक्सपेंशन बोर्ड। ऑप्शन बी है एक्सटर्नल ड्राइव। ऑप्शन सी है मदरबोर्ड। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है मदरबोर्ड ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग

यहाँ पे ऑप्शन ए है एन असेंबली लैंग्वेज ऑप्शन बी है ये थर्ड जेनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन सी है ए मशन लैंग्वेज ऑप्शन डी है एक फ्यूचर लैंग्वेज तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ए थर्ड जेनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज नेक्स्ट सवाल व्हाट इज काइंड ऑफ सी डी रॉम सी डी कौन सा टाइप का होता है ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क है ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क है ऑप्शन सी मैजेंटो ऑप्टिकल डिस्क है ऑप्शन डी नॉन ऑप्दी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क हमारा नेक्स्ट सवाल फ्रॉम द फॉलोइंग नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ये कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा पार्ट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोलते हैं ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट ऑप्शन बी इनपुट यूनिट ऑप्शन सी रैम ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर किसको हम मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं ऑप्शन ए में है सुपर कंप्यूटर ऑप्शन बी में है आई फ्रेम्स ऑप्शन सी में है मेगा फ्रेम्स ऑप्शन डी में है सुपर आसेस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर नेक्स्ट सवाल है इन हुई ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर हो रहा है वो कौन सा फॉर्म में उसमें स्टोर हो रहा है डेसिमल फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में हेक्सा फॉर्म में या ऑक्टल फॉर्म में तो इसमें ऑप्शन दिया है डेसिमल बाइनरी हेक्सा एंड ऑक्टल तो इसका आंसर है बाइनरी फॉर्म ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वेयर ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए में है ट्रांसमीटर ऑप्शन बी में है डायोड ऑप्शन सी है एच एच एल ऑप्शन डी है डीएसएल इसका सही आंसर है डी डी एस एल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पूछ रहा है हुई लेबल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज ऑप्शन ए में पूछ रहा है ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन बी है मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक सी में पूछ रहा रहा है है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज या डी है मशीन तो इसका सही आंसर क्या होगा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 23 में पूछ रहा है डॉक्यूमेंट मूवी इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एक्सेस्ट्रा आर स्टोर एट ए कौन से जगह जो डॉक्यूमेंट्स हैं मूवी है इमेजेस है फोटोग्राफ है स्टोर होता है ऑप्शन ए एप्लीकेशन सर्वर में या ऑप्शन बी वेब सर्वर में या ऑप्शन सी प्रिंट सर्वर में या ऑप्शन डी फाइल सर्वर में इसका सही आंसर है डी फाइल सर्वर में डाटा स्टोर होता है नेक्स्ट सवाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम रैम में कौन सा चीज यूज होता है ऑप्शन ए कंडक्टर ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर इसका सही आंसर है सेमीकंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फुलर्म ऑफ कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर इन इंस्ट्रूमेंट ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका सही आंसर डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस